हेलो एसपी स्वागत है आप सभी का योर एग्री ट्यूटर में एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ बनाते अपनी एग्रीकल्चर की स्किल को और भी बेहतर एस्पिरेंट्स आज के वीडियो में हम कवर करेंगे जनरल एग्रीकल्चर एमसीक्यू के पार्ट एट को एस्पिरेंट्स अगर आप चैनल पर नए हैं तो योर एग्री ट्विटर नाम से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वेलाइकन को हिट करना ना भूलें वीडियोज़ की नोटिफिकेशन को सबसे पहले पाने के लिए तो चलिए शुरू करते हैं एस्पिरेंट्स पहला क्वेश्चन है विच आर ऑफ फॉलोइंग इज रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए इनमें से किसमें विटामिन ए सबसे अधिक पाया जाता है पहला ऑप्शन एप्पल दूसरा मैंगो तीसरा पपाया चौथा गवाबा सही ऑप्शन है मैंगो मैंगो में विटामिन ए सबसे ज्यादा पाया जाता है सौ ग्राम मैंगो में एक हजार बयासी इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए पाया जाता है वैक्सिंग इन्हेंस द सेल्फ लाइफ ऑफ फ्रूट्स बिकॉज इट चेक्स वैक्सिंग फलों की सेल्फ लाइफ को बढ़ा देता है क्योंकि यह रोकता है पहला ऑप्शन ट्रांसपिरेशन दूसरा रेस्पिरेशन तीसरा राइपेनिंग और चौथा ट्रांसपिरेशन एंड रेस्पिरेशन सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फोर ट्रांसपिरेशन एंड रेस्पिरेशन वैक्सिंग की कोटिंग से फलों में ट्रांसपिरेशन और रेस्पिरेशन का प्रोसेस कम हो जाता है जिससे फलों की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है प्रेशर टेस्टर इज़ यूज फॉर प्रेशर टेस्टर का इस्तेमाल किया जाता है पहला ऑप्शन है मैच्योरिटी दूसरा राइपेनिंग तीसरा हैंडलिंग चौथा ग्रेडिंग सही ऑप्शन है मैच्योरिटी मैच्योरिटी को टेस्ट करने के लिए प्रेशर टेस्टर का इस्तेमाल किया जाता है येलो कलर ऑफ पपाया इज़ ड्यू टू पपीते का पीला रंग किसके कारण होता है पहला ऑप्शन है पेपिन दूसरा लाइकोपिन तीसरा कैरिकाजेंथीन और चौथा कैरोटीन सही ऑप्शन है कैरिकाजेंथीन कैरिकाजेंथिन के कारण पपाया का कलर येलो होता है वेयर डज इंडिया रैंक इन प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल इन द वर्ल्ड भारत दुनिया में सब्जी के उत्पादन में किस रैंक पर है पहला ऑप्शन फर्स्ट दूसरा सेकेंड तीसरा थर्ड और चौथा फोर्थ सही ऑप्शन है सेकेंड भारत चाइना के बाद दूसरे नंबर पर वेजिटेबल प्रोड्यूस करता है वेपटेल डिसऑर्डर इज फाउंड इन वेप्टेल डिसऑर्डर पाया जाता है पहला ऑप्शन कली फ्लावर दूसरा कैवेज तीसरा अनियन चौथा नोल खोल सही ऑप्शन है कली फ्लावर कली फ्लावर में वेप्टेल डिसऑर्डर पाया जाता है जब सॉइल में मॉलिपडन की कमी होती है तो कली फ्लावर में वेपटेल डिसऑर्डर कॉज करता है विच ऑफ फॉलोइंग इज डायवर्सिज वेजिटेबल क्रॉप इनमें से कौन सा एकलिंगी वेजिटेबल क्रॉप है पहला ऑप्शन है पम्पकिन दूसरा पॉइंटेड गार्ड तीसरा स्पॉन्ज गार्ड और चौथा रिज गार्ड सही ऑप्शन है पॉइंटेड गार्ड परवल एक डायोसियस वेजिटेबल क्रॉप है डायोसियस क्या होता है जब मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग अलग फ्लावर्स पर पाए जाते हैं तो उसे डायोसियस कहते हैं विच वन ऑफ फॉलोइंग इज ए म्यूटेंट वेराइटी ऑफ पपाया इनमें से कौन पपाया की एक उत्परिवर्तित किस्म है पहला ऑप्शन है सी यू टू दूसरा पूसा नन्ना तीसरा पूसा मेजस्टी और चौथा कुरघनी डे सही ऑप्शन है पूसा नन्ना पूसा नन्ना एक डायवर्सियस वेराइटी है पपाया की और इसके प्लांट की हाइट होती है लगभग 106 से 110 सेंटीमीटर के आसपास विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नोन एज क्वीन ऑफ फ्लावर्स फूलों की रानी के रूप में किसे जाना जाता है पहला ऑप्शन रोज दूसरा ट्यूब रोज तीसरा मैरीगोल्ड और चौथा क्राइजेंथिम सही ऑप्शन है रोज रोज को क्वीन ऑफ फ्लावर्स कहते हैं ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है रोज़ के बारे में आइए देखते हैं रोज का किंगडम है प्लांटी और रोज़ की क्लास है मैग्नोलियो सिडा फैमिली है रोजेसी और जीनस है रोज़ा आप इसे ध्यान से वीडियो को पॉज करके पढ़ लेंगे यूज ऑफ किसान कॉल सेंटर सोज किसान कॉल सेंटर के होने वाले शो का क्या उपयोग है पहला ऑप्शन है दैट द फार्मर वांट्स इंफॉर्मेशन अबाउट द टेक्नोलॉजी दूसरा द फार्मर वांट्स टू पास द टाइम सम हाउ तीसरा द गवर्नमेंट हैज एनफ मनी सो इट कैन वेस्ट अ लिटिल और चौथा द फार्मर इज़ वड अबाउट एक्चुअल एनालिसिस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सही ऑप्शन है दैट द फार्मर वांट्स इंफॉर्मेशन अबाउट द टेक्नोलॉजी किसान तकनीकी के बारे में जानकारी चाहता है लैब टू लैंड प्रोजेक्ट एडवोकेटेड बाई लैब टू लैंड प्रोजेक्ट का समर्थन किसके द्वारा किया गया पहला ऑप्शन यू दूसरा वर्ल्ड बैंक तीसरा आई और चौथा सी सही ऑप्शन है आई सी आर आई सी आर के द्वारा लैब टू लैंड प्रोजेक्ट का समर्थन किया गया ई एक्सटेंशन इज बेस्ट सूटेड फॉर ई एक्सटेंशन के लिए क्या उपयुक्त है पहला ऑप्शन है एडॉप्शन ऑफ इन्ोवेशंस दूसरा डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन तीसरा एक्सचेंज ऑफ ओपिनियंस और चौथा क्रॉप हस्बेंड्री ओनली सही ऑप्शन है डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन जानकारी का प्रसार ई एक्सटेंशन के लिए सबसे उपयुक्त है ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट इन मोस्ट इंडियन सॉयल्स रेंज अधिकांश भारतीय मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा होती है पहला ऑप्शन 0.5 टू 2 परसेंट दूसरा 0.2 टू 0.4 परसेंट तीसरा 3 टू 4 परसेंट और चौथा 5 टू 6 परसेंट सही ऑप्शन है 0.5 टू 2 परसेंट अधिकांश भारतीय मृदाओं में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा 0.2 से 0.5 से 2 प्रतिशत तक होती है जिंक इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट फ्रॉम द सॉयल इन द आयनिक फॉर्म जिंक को पौधे द्वारा मिट्टी से किस आयनिक रूप में अवशोषित किया जाता है पहला ऑप्शन है जेडन दूसरा जेड एन प्लस थ्री तीसरा जेड एन प्लस टू और चौथा जिंक ऑक्साइड सही ऑप्शन है जेड एन प्लस टू के द्वारा मिट्टी से जिंक को जेड एन फॉर्म में अवशोषित किया जाता है मोस्ट इफेक्टिव वीडिसाइट एज प्री इमरजेंस वीट कंट्रोल इन मेज क्रॉप इज मक्के की फसल में प्री इमरजेंस वीट कंट्रोल के रूप में किस विडिसाइड का इस्तेमाल किया जाता है पहला ऑप्शन है ब्यूटाक्लोर दूसरा सीमाजीन तीसरा आइसोप्रोट्योरान और चौथा टूफोडी सही ऑप्शन है सीमाजीन सीमाजीन का इस्तेमाल किया जाता है मेज क्रॉप में प्री इमरजेंस वीडिसाइट के तौर पर बेस्ट मेथड ऑफ इरीगेशन इन पोटैटो क्रॉप इज आलू की फसल में सिंचाई की सर्वोत्तम विधि कौन सी है पहला ऑप्शन है बॉर्डर स्टिप दूसरा फ्लडिंग तीसरा फर्रो और चौथा बेसिन मेथड। सही ऑप्शन है फर्रो मेथड फर्रो मेथड आलू की फसल में सिंचाई की सर्वोत्तम विधि है यह है फर्रो मेथड की पिक्चर ये देखिए यहाँ पे ये प्राइमरी चैनल है और ये है सेकेंडरी चैनल ये फर्रो बना के सिंचाई की जाती है पोटैटो के फील्ड में सी एन रेशियो ऑफ स्टेबल सॉयल ऑर्गेनिक मैटर इज़ अबाउट स्टेबल सॉयल ऑर्गेनिक मैटर का कार्बन नाइट्रोजन रेशियो क्या है पहला ऑप्शन है थर्टी इज टू वन दूसरा ट्वेंटी इज टू वन तीसरा टेन इंजू वन और चौथा ट्वेंटी फाइव इस टू वन सही ऑप्शन है टेन इंस टू वन सी एन रेशियो स्टेबल सॉयल ऑर्गेनिक मैटर का है टेन इज टू वन राइजोबियम स्ट्रेन सुटेबल फॉर इनोकुलेशन ऑफ बरसीम सीड इज बरसीम सीड में टीकाकरण के लिए कौन सा राइजोबियम स्ट्रेन उपयुक्त है पहला ऑप्शन है राइजोबियम ट्राइफोली दूसरा राइजोबियम जेपोनिकम तीसरा राइजोबियम मिली और चौथा राइजोबियम लेगुमिनिसोरम। सही ऑप्शन है राइजोबियम ट्राइफोली राइजोबियम ट्राइफोली का टीकाकरण किया जाता है बरसीम के बीज में पार्थेनोजेनेटिक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कॉमनली टेक्स प्लेस इन आमतौर पर प्रजनन का पार्थेनोजेनेटिक मोड किस में होता है पहला ऑप्शन है बीटल्स दूसरा फायरफ्लाई तीसरा एफिट्स और चौथा साफ्लाई सही ऑप्शन है एफिड एफिड में प्रजनन का पार्थोनोजेटिक मोड पाया जाता है सूटी मोल्ड डेवलप्स ऑन लीव्स एंड पेनकिल्स ऑफ मैंगो ड्यू टू द इन्फेक्शन ऑफ मैंगो की लीव्स और पेनकल्स पर किसके इन्फेक्शन के कारण सूटी मोल्ड डेवलप होता है पहला ऑप्शन है बार्क बोरर दूसरा गालमिज, तीसरा लीफ ऑपर और चौथा स्टेम बोरर सही ऑप्शन है लीफ ऑपर लीफ ऑपर की वजह से मैंगो की पत्तियों और पेनकल पर सूटी मोल्ड डेवलप होता है होमोमेटाबोलस डेवलपमेंट आकर्षण होमोमेटाबोलस का विकास होता है पहला ऑप्शन है बटरफ्लाई दूसरा ड्रैगन फ्लाई तीसरा ग्रॉस हॉपर और चौथा मिलीवर्ग सही ऑप्शन है बटरफ्लाई बटरफ्लाई में होमोमेटाबोलस डेवलपमेंट होता है होमोमेटाबोलस को कंप्लीट मेटामॉफोसिस भी कहते हैं थ्रिप्स बिलोंग टू द ऑर्डर थ्रिप्स किस ऑर्डर से बिलोंग करता है पहला ऑप्शन है सोकोपटेरा दूसरा न्यूरोपटेरा तीसरा स्ट्रेपसिपटेरा और चौथा थाइसनोपटेरा सही ऑप्शन है थाइसनोपटेरा थ्रिप्स थाइस्नोपटेरा ऑर्डर से बिलोंग करता है थ्रिप्स एक सकिंग टाइप का इंसेक्ट होता है जो काफ़ी डैमेज कॉज करता है प्लांट में और वायरस के इन्फेक्शन को फैलाने में मदद करता है सिल्वर सूट्स इन पेडी आर कॉस्ड बाई पेडी क्रॉप में सिल्वर सूट्स किसके कारण होता है पहला ऑप्शन है राइस स्पा दूसरा प्लांट हॉपर तीसरा गालमिज और चौथा वॉर्म सही ऑप्शन है गालमेज गालमेज का लार्वा काज करता है और पैडी में सिल्वर सूट्स डिसऑर्डर फैलता है मेनी इंसेक्ट्स अंडर गो एस्टिवेशन इन रिस्पॉन्स टू काफ़ी कीड़े शिथिल हो जाते हैं किसके कारण पहला ऑप्शन लो टेम्परेचर के कारण दूसरा डार्कनेस तीसरा हाई टेम्परेचर और चौथा हाई ह्यूमिडिटी सही ऑप्शन है हाई टेम्परेचर के कारण एस्टिवेशन होता क्या है हाई टेम्परेचर की वजह से या तो कीड़े इनएक्टिव हो जाते हैं या उनका मेटाबॉलिक रेट लो हो जाता है एस्पिरेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ चैनल को योर एग्री ट्विटर नाम से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें वीडियोस की नोटिफिकेशन को सबसे पहले पाने के लिए हमसे फेसबुक पर कनेक्ट करने के लिए पेज को योर एग्री ट्विटर नाम से लाइक कर लें फॉलो कर लें हम अपने सभी लेक्चर की पी को अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करते हैं ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक को हिट करके आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं एसप्रेंड्स हम उम्मीद करते हैं आपने इस वीडियो में कुछ नया सीखा होगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू फॉर वॉचिंग गॉड ब्लेस यू ऑल